आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों मैं हिमांश, क्लियर आईपीएस क्लर्क एग्जाम एंड सेलेक्टेड इन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि आईपीएस आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन जून के स्टार्टिंग वीक में आ जाएगा दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, आईपीएस आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों। वेबसाइट से डाउनलोड कर देना। अब इसके अंदर दोस्तों मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बताऊंगा आपको, तो वीडियो पूरी जरूर देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। और इसमें जो भी आपको डाउट हो कमेंट कर देना दोस्तों, मैं आपके डाउट कमेंट सेक्शन से क्लियर कर दूंगा, वहीं रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो पूरी जरूर देखना दोस्तों। तो ये कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर आरआरबी स्केल 1, 2, 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट इन आरआरबीज, आरआरबी सीआरपी आरआरबी ट्रेन के लिए आ गया है दोस्तों ये। और इसमें दोस्तों पार्टिसिपेटिंग आरआरबी ये है, तो आप ये टेलीग्राम चैनल है एचपी सक्सेस क्लासेस, उसमें ये मैं डाल रहा हूँ नोटिफिकेशन पूरा, वहाँ से देख लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप देख लेना दोस्तों, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको। एज, एज दोस्तों ऑफिसर स्केल 3 है ना, उसके लिए जो एज होनी चाहिए, उसके लिए दोस्तों एज होनी चाहिए अबाउट 20 ईयर बिलो 40 ईयर्स, तो ये डेट मेंशन है दोस्तों इसके अंदर, तो ये सब आप ध्यान रखना। ये डेट दे रखी है मैनेजर स्केल 2 के लिए दे रखी है। अब ऑफिस 4 स्केल 1 ये आरआरबी पीओ है और ऑफिस असिस्टेंट या आरआरबी क्लर्क, इनके लिए डेट दोस्तों देख सकते हो आप। और जो एससी एसटी कैटेगरी है उनके लिए एज रिलैक्सेशन है 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल। तो एक्स सर्विसमैन के लिए भी आप ये सब देख सकते हो दोस्तों। ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ से देख लेना। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जो सबको डाउट होगा क्या फाइनल ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो उनके लिए क्या गाइडलाइन है ये मैं बता रहा हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसके अंदर बोला है कि ये तो सब नॉर्मल है कि कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ऑफिसर स्केल मतलब पीओ वाला, इसमें भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और ये स्केल 2 और स्केल 3 के लिए इनमें थोड़ा अलग है, तो ये देख लेना आप। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मेंशन शुड बी ए फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज एंड द रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 28 जून 2021। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है दोस्तों, अगर 28 जून 2021 से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो जो फाइनल ईयर वाले हैं, तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों। और इसका पूरा पेपर होता है दोस्तों प्री के अंदर, तो 2 ही सब्जेक्ट है, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग 45 मिनट का होगा, क्वांट और रीजनिंग दोनों ही 45 मिनट का, 80 क्वेश्चन आएंगे। और मेंस के अंदर 2 सेक्शन बढ़ जाते हैं दोस्तों, हिंदी इंग्लिश में से एक ले सकते हो और कंप्यूटर भी आएगा, तो 5 सेक्शन आएंगे। और सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है इसमें, टोटल कंपोजिट टाइम मिलता है दोस्तों 2 आवर का, बट सेक्शनल कट ऑफ इसके अंदर होती है। और एलपीटी के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज होगी ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो और कोई भी डाउट हो दोस्तों आप मेरे को कमेंट कर देना। और इसकी कितनी कितनी वैकेंसी आई है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ, ठीक है, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना दोस्तों। जो वैकेंसी आई वो भी मैं बता देता हूँ, देख लो। ये आरआरबी पीओ की, पीओ के लिए जो है ना दोस्तों, ये वैकेंसी हर एक स्टेट से आप देख सकते हो, आंध्र प्रदेश गुजरात ये देख सकते हो दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है ना वो कहाँ आई है दोस्तों, वो अपन देख सकते हैं। यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, यूपी में आप देख सकते हो दोस्तों, अरावत बैंक ने 284, बड़ौदा यूपी में 363, ठीक है। तो ये पीओ वाली स्केल 1 की और ऑफिस असिस्टेंट वाली दोस्तों जो मल्टीपर्पज के लिए, उसकी वैकेंसी भी आप देख सकते हो ये है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ये भी यूपी के अंदर ही ज़्यादा है दोस्तों। तो आप देख, अब यूपी से फॉर्म भरोगे तो एलपीटी कैसा होगा इसके बारे में जो भी डाउट हो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ओके, हैव ए नाइस डे, तैयारी करते रहो, मैं तैयारी करवाऊँगा आप लोगों की।